नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं अपने क्लब में। इसका नाम है कॉमेडी क्लब। अभी एक ऐड आपने देखा होगा, ठंडे का ऐड है। तीन बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें काम किया। टावलिया हो वो भी उसमें है, और शांति भी उसमें है, और भाई भी उसमें है। ऐड का मामला बड़ा एकदम हॉट है, हालांकि ठंडे का ऐड है वो। अब मारुख भाई को बड़ा दुख हो रहा है, वो कह रहे हैं टूट गया मेरा सपना, जग सुना सुना लगे, भाई कहे वो अपना, ऐसा मुझे चुना लगे, जग सुना लगे। क्या बताऊं, उसने मुझे भाई कह दिया। हाउ अनरोमांटिक। सारे कलाकार को बहुत बुरा लगा इस बात पे, बहुत बुरा लगा कि शांति ने मारुख को अपना भाई बोल दिया। लेकिन मन ही मन में सबने सोचा कि अपना पत्ता जुड़ सकता है। एक्शन रोमांटिक स्टार अक्की चले गए वहां पर। रे शांति, शांति रे, मुझे पता चल चुका है बाबू भैया कि इसे सब खिलाड़ी पसंद है, सबके सब खिलाड़ी पसंद है, तो मुझसे बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है। तो शांति ने कहा, ठीक है, आप सबसे बड़ा खिलाड़ी है बेटा। बेटा अबे क्या बच्चे की जान लेगी तू? अपने किरफान खान साहब। अरे भैया, ऐसा है कि तरीका बड़ा अच्छा है, समझते, मतलब बैठे बैठे किसी आदमी को भाई कह दो, क्या कोई लड़की ऐसा कह सकती है? टॉप के स्टार को भाई कह सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है, मानू या ना मानू। और मुझे तो अगर वो भाई भी मान ले तो बड़ी बात है, क्योंकि मैं दिखता ही विलन जैसा हूँ, तो मुझे भाई नहीं मानेगी वो, समझे। और सावरिया मैं बन नहीं सकता, क्योंकि भैया अपना एज का रिचार्ज खत्म हो चुका है। अब इनके बाद नसीर भाई कहीं से आ गए, उनको लगा कि यार ये बहुत बुरा हुआ है, तो नसीर भाई कहते हैं, ओ रोमांटिक कलाकार था जिसे इसने भाई कह दिया। भाई कहकर कसाई जैसी हरकत की है इसने। एक पहली फिल्म में 50 पेटी दी थी इसे, इस बेटी ने क्या हरकत कर दी, उसे भाई कह दिया। जी हाँ, मैंने उसे भाई कहा। छोड़ो, मेरे बारे में क्या ख्याल है। अब इनके पीछे हमारे गुस्से वाले कलाकार काना काटेकर। तुझे भी भाई कहा है उसने। पहले उस हीरोइन ने उससे कहा तू हीरो, अब कह रही है तू ही रो, मैं हंसूंगी तू ही रो। जब उसे भाई कहा, इसे चाचा कहा, उसे मामा कहा, उसे दादा कहा, मुझे क्या कहेगी तू? मैं आपको नाना कहूंगी। मतलब तू मुझे पसंद करती है? नहीं नहीं, मैं आपकी एज के हिसाब से को नाना कहूंगी। मुझे लगा तू मेरे प्यार से मेरा नाम पुकार रही है। जा जा, अब्दुल रास्ते में मिलेगा गोली मार देगा तुझे। जा जा जा, मैं भी जा रहा हूं। बाय, थैंक यू। ए ब्रूटस, ट्रॉय बोलो, आज हम लोग उस घर में चोरी करेंगे। उस घर में कौन रहता है शियार? अरे उस घर में एक वकील रहता है, और मैंने ये भी पता किया है कि वो दोपहर को खाना खाने के बाद सोता है। वो सोते हुए चोरी करेंगे। ब्रूटस, सीजर, मेरी बात सुनो। बोलो ट्रॉय। इन वकील लोगों से दूर रहना चाहिए, बड़े डेंजरस होते हैं। अरे काय के डेंजरस होते हैं, नॉनसेंस। आज लाइफ में पहली बार हम लोग डे टाइम रॉबरी करेंगे। चलो मेरे साथ।
कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। बच तो गए। अरे कोई बात नहीं, और कुछ चोरी नहीं कर सके तो क्या हुआ, लेकिन मैंने भागते भागते उसकी पॉकेट मार ली। ये देख 500। अरे 500 रुपए मिल गए, कांग्रेचुलेशंस। ब्रूटस सीजर, तुम लोग 500 रुपए के साथ क्या करोगे, क्या करोगे तुम लोग? हमारे पिछली चोरी के 5000 रुपए जो मेरी जेब में रखे हुए थे उस वकील ने मार दिए।